हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी आईटीआर की प्रोसेसिंग कब होगी। दोस्तों, आईटीआर की प्रोसेसिंग आपकी यदि हो जाती है तो आपको पता कैसे चलता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है या नहीं हुई है। तो जब आप अपनी आईटीआर को सबमिट करते हैं और उसको ई वेरीफाई करते हैं तो आपकी जो आईटीआर है और उसमें दी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इनकम की डिटेल्स है, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को वो वेरीफाई करता है और उसके बाद यदि उससे लगता है कि आपके आईटीआर में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो वो उस आईटीआर को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब आपकी आईटीआर वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट करता है तो उसका एक इंटीमेशन आपको भेजता है। वो इंटीमेशन आपके आईटीआर के सक्सेसफुली प्रोसेस्ड होने का एक प्रूफ है। तो वो इंटीमेशन आपको सेक्शन 143(1) में आपको मिलता है और वो जो है आपके मोबाइल नंबर पे या आपके मेल आईडी पर एक इंटीमेशन या एक मैसेज सेंड किया जाता है कि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो चुकी है। आपके मेल आईडी पे यदि कुछ इस तरीके का यदि आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड यदि मैसेज आता है तो आपको बहुत ही केयरफुल होना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 हैज़ बीन प्रोसेस एंड देर इज़ नो पेमेंट ड्यू, और इस मैसेज के नीचे एक लिंक दिया रहता है। वैसे ही आपके मोबाइल पे भी जो मैसेज आता है उसमें एक लिंक दिया रहता है कि आपका जो आईटीआर प्रोसेस हो चुका है, आपका इतना रिफंड बन रहा है। रिफंड क्लेम करने के लिए आप इस लिंक को आप जो है क्लिक करें या फिर आपका रिफंड, आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है, आप इस लिंक पे, बिलो लिंक पे आप क्लिक करें अपने रिटर्न को देखने के लिए वगैरह वगैरह। तो आपको मैं बता दूं कि आपको इस तरीके के जो ईमेल्स हैं या आपके मोबाइल पे जो मैसेज हैं उस पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यदि आपके मोबाइल में या लैपटॉप में यदि एंटीवायरस है तो आपका एंटीवायरस आपको अलर्ट कर देगा, बी केयरफुल विद दिस मैसेज। जब आप उसे डाउनलोड करके उसको ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। आपके मोबाइल पे या मेल आईडी पे जब मैसेज आता है कि योर आईटीआर हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, तो सबसे बेस्ट तरीका है इनकम टैक्स के पोर्टल पे आके चेक करना। तो आपकी आईटीआर जब प्रोसेस होती है तो उस कंडीशन में तीन प्रकार के स्टेटस आपको दिखाई देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको इंटीमेशन सेक्शन 143(1) में आपको सेंड करता है, चाहे वो मेल के थ्रू हो या फिर आपके मोबाइल नंबर के थ्रू हो, और जब आप उस इंटीमेशन लेटर को आप ओपन करते हैं तो उसमें तीन स्टेटस आपको दिख सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्टेटस हो सकता है। जनरली यहाँ पे तीन प्रकार के स्टेटस आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला होता है आपकी आईटीआर जो प्रोसेस हुई है विथ नो डिमांड एंड रिफंड। तो आपको ये समझ लेना है कि आपकी जो प्रोसेस हुई आईटीआर उसमें कोई भी डिमांड यानी कि कोई भी टैक्स आपसे नहीं मांगा जा रहा है और ना ही आपसे कोई रिफंड जो है आपको कोई दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है आईटीआर, ये इसका सिचुएशन तब होता है जब आप नील आईटीआर को फाइल करते हैं, विच मीन्स कि आपका 2.5 लाख के नीचे इनकम में आपने फाइल कर दिया, या आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे होती है तो भी आपका जो आईटीआर है वो जो प्रोसेस होता है तो कोई भी डिमांड या कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि यदि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे है और आपका कोई भी TDS वगैरह नहीं कटा है, ठीक है, तो उस केस में भी आपका जो भी टैक्स बनता है उस पर रिबेट आपको मिल जाता है और आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो नील हो जाती है। तो आईटीआर की जो प्रोसेसिंग होती है वो भी विथ नो डिमांड और रिफंड में होती है। इसके बाद यदि आपकी टैक्स लाइबिलिटी TDS अमाउंट के इक्वल हो जाती है तो भी आपकी जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है वो विथ नो डिमांड या रिफंड में हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो स्टेटस आपको दिखता है, प्रोसेस्ड विथ रिफंड ड्यू, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जो टैक्स है, ठीक है, यानी आईटीआर भरते समय आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी आई थी, यदि आपके द्वारा पहले से TDS आपका कटा था, उस TDS से यदि ये कम है या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स से यदि ये कम है आपका टैक्स अमाउंट, तो आपको रिफंड जो है आपको इशू कर दिया जाएगा। तो आपका जो आईटीआर प्रोसेस होगा तो विथ रिफंड ड्यू दिखाएगा,
ठीक है। और तीसरा जो प्रोसेसिंग होती है ITR को, प्रोसेस विथ डिमांड ड्यू, मतलब कि यदि आपने अपने ITR में कोई भी इनकम अंडर रिपोर्ट की है, मतलब कि आपकी AIS या फिर 26AS में जो इनकम दिख रहा है उसको आपने प्रॉपर तरीके से अपने ITR फाइल करते समय कंसीडर नहीं किया, जिसके वजह से कि वो अंडर रिपोर्टिंग हो गया, या फिर कोई लेट फीस आपके ऊपर बन रही है, आपने पे नहीं किया है, पेनाल्टी बन रही है, तो इस केस में भी डिमांड के साथ आपकी ITR प्रोसेस होती है और आपको पेमेंट करना होता है। ITR प्रोसेसिंग के मैसेज मिलने के बाद आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे आ करके ही आपको चेक करना है कि सच में मेरी ITR प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। तो आप ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आपको व्यू फाइल्ड रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो ITR जो फाइल हुई थी वो आपकी सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है। अब आपको अपना इंटीमेशन लेटर यदि डाउनलोड करना है तो आप मेल में जो आपको लिंक दिया था आप वहाँ से कृपया डाउनलोड मत करिएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। आपको ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा, तो पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लोअर केस में बिना स्पेस दिए हुए जब आप यहाँ पे लिखेंगे सबमिट करेंगे तो ये आपका जो इंटीमेशन लेटर है ये ओपन हो जाएगा। जब आप अपने इंटीमेशन लेटर को ओपन करते हैं तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे सिचुएशन देखेंगे। तो पहला सिचुएशन है कि यदि आपकी ITR नो डिमांड नो रिफंड यदि प्रोसेस हुई है तो आपको किस तरीके से ये ओपन होकर के दिखता है। तो यहाँ जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर देखिए दिख जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिख जाएगा और यहाँ पे देखें कि जब आपकी ITR कोई भी बिना रिफंड या फिर बिना डिमांड के प्रोसेस होती है तो वो हमेशा उसका कलर ब्लू कलर का होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 हैज़ बीन प्रोसेस्ड, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। अब यहाँ पे कोई भी ना तो पेमेंट आपका ड्यू हो रहा है और ना ही आपके ऊपर कोई रिफंड इशू करने का रिक्वेस्ट इसमें डाला गया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आपकी ITR नील फाइल की गई है, या आपकी इनकम 5 लाख के नीचे है, या आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपके TDS अमाउंट के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ रिटर्न की डिटेल समरी फॉर्म में आ जाती है, जो आपने ITR फाइल करते समय जो इनकम आपने रिपोर्ट करी थी और जो 143(1) में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कैलकुलेट किया है अपने डाटाबेस से वो सब मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाटाबेस से मैच कर रहा है और यहाँ पे जो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो बनी है वो आपकी 51,522 बनी है और यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी इतनी ही लाइबिलिटी कैलकुलेट की गई है और जो आप पहले से जो TDS वगैरह जो पे किया गया है यानी टोटल टैक्स पेड भी देखिए इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस में देखिए 0 आ रहा है और नेट अमाउंट पेएबल और रिफंडेबल भी 0 दिखाएगा, मतलब आपका TDS और टैक्स दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आप इसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं कि हमने इनकम में क्या क्या डिटेल दे रखी है तो आप यहाँ से नीचे से आके देख सकते हैं। यदि आपकी ITR प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सिनेरियो में प्रोसेस होगा। यदि आपका टैक्स लाइबिलिटी TDS से यदि कम आ रहा है तो आपको रिफंड इशू होगा। जैसे कि आप जब अपनी इंटीमेशन लेटर को ओपन करेंगे तो ये ग्रीन कलर से दिखता है, यदि आपका कुछ रिफंड बनेगा तो ग्रीन कलर से आपकी ITR की प्रोसेसिंग का लेटर आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए पहले ही लिख देगा यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है, ये पिछले साल का है और यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ रिफंड भी देखिए दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि आपका रिफंड कितना बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैलकुलेशन की गई वो 20,980 की है और आपने जो प्रोवाइड किया था टैक्स की डिटेल वो 20,570 रुपये था, ठीक है। तो ये रिफंड आपका बनेगा और ये आपको रिफंड इशू कर दिया जाएगा। अब इस 20,980 में कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी रिफंड का जुड़ा हुआ है क्योंकि लेट जब भी इशू होगा तो रिफंड आपका आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे डिटेल पूरी आ जाती है आपकी इनकम की जो आपने सबमिट किया और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी आप देख सकते हैं 16,000 की है लेकिन जो TDS आपका कटा था वो 36,000 का कटा होगा। तो उस केस में आपका टैक्स क्या हो गया, TDS से कम हो गया, तो इस केस में आपका जो है रिफंड अमाउंट बन गया। तो ये रिफंड अमाउंट आपको इशू कर दिया जाएगा। यदि आपकी ITR डिमांड के साथ प्रोसेस हुई है तो उस केस में आप जब इंटीमेशन लेटर अपना डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इंटीमेशन लेटर जो आपको मिलेगा वो रेड कलर से दिखेगा यदि आपका कुछ डिमांड बन रहा है तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखे रहेगा यू हैव ए डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 और डिमांड की जो है धनराशि यहाँ पे लिखी रहेगी और यहाँ पे जो जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको डिटेल्स जो है यहाँ पे दिखाएगा किसके वजह से आपका डिमांड बन रहा है।
अमाउंट पेबल वाले सेक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से देखिए 1000 रुपीज़ का पेमेंट है, लेकिन आपके तरफ से कोई भी टैक्स का पेमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट पेबल आपका आ रहा है, यदि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भी डिटेल्स दिए वो सही है, तब तो आप क्लिक हियर टू ई पे टैक्स पे करके आप ये अमाउंट को पे कर दीजिएगा, ठीक है। और या तो फिर आप ऑनलाइन भी जा करके इनकम टैक्स का पेमेंट जो भी ड्यू होगा पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन गलत है, मतलब आपने अंडर रिपोर्टिंग नहीं करी है इनकम का, ठीक है, आपने बिल्कुल सही से ITR भरी है, तो आप इसके लिए फिर रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते। तो इस तरीके से आप अपने ITR प्रोसेसिंग को चेक कर सकते हैं कि रियली में प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, और इंटीमेशन लेटर को ओपन करके आप अपने ITR की पूरी डिटेल देख सकते हैं। जब आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है तो उसके 15 दिन के अंदर आपका जो भी रिफंड वगैरह बनता है वो आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।